नमस्कार। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल शुभ कदम में। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, हम एक सीरीज बना रहे हैं कि हमारी खुद की ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाया जा सकता है, और आज जो है इसका पार्ट टू वीडियो है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे खुद की इंट्राडे स्ट्रेटेजी कैसे डेवलप की जा सकती है, और उसको बैक टेस्ट कैसे करना है वो मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। आज सिर्फ इतना बात करेंगे कि हमारी खुद की इंट्राडे स्ट्रेटेजी कैसी बनाई जा सकती है, प्लस मैं अपनी खुद की इंट्राडे स्ट्रेटेजी भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि इंट्राडे के लिए स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करते हो तुम, या फिर उसमें ट्रेड कैसे करते हो, वो सारी बातें भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले बात करेंगे हाउ टू मेक अ प्लान। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, देयर आर मेनी डिपेंडिंग ऑन द ट्रेडर्स प्रेफरेंसेस एंड ट्रेडिंग स्टाइल। तो प्लान हमें डेवलप करना चाहिए एज हमारे ट्रेडिंग स्टाइल है। मतलब जो लोग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहिए। उसके साथ ही जो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने प्राइस एक्शन बेस्ड प्लान बनाना चाहिए। और आगे आता है इनिशियल गोल्स। और सबसे पहले हमें हमारे इनिशियल गोल्स डिफाइन कर लेने चाहिए। अभी इनिशियल गोल्स होते क्या है, पहले तो हमें कितना परसेंट जो है कैपिटल्स का रिस्क लेना है। जाने के यहाँ पर 2% रूल मार्केट में बहुत फेमस होता है। जैसे कि हमारे अकाउंट में समझो 100 रुपीज है, उसमें से हमें सिर्फ रिस्क लेना है वो 2 रुपीज के लेना है। मतलब 100 रुपीज का 2% मतलब 2 रुपीज। इस तरह से हमारे इनिशियल गोल्स फिक्स होने चाहिए। उसी तरह से अगर हमारे अकाउंट में 200 रुपए हो तो उसका भी हमें 2% लेना है। वो अगर 1000 रुपए हो तो उसका भी 2% लेना है। इस तरह से 2% रूल से आप अपना रिस्क डिफाइन कर सकते हो, और उसके साथ ही आपको किस रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ काम करना है, इस तरह से आप हमारा आपने जो इनिशियल गोल्स है वो डिफाइन कर सकते हो। और आगे आता है ट्रेडर मस्ट बिल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अभी मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हमें हमारी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है वो बिल्ड करने आनी चाहिए। अभी इस वीडियो में मेरी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, पर मैं खुद आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपकी खुद की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाए जो कि आपके लिए वर्क करे। जो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो मेरे लिए बहुत अच्छी वर्क करती है। क्यों? क्योंकि उसको मैंने बनाया है, उसको मैंने बहुत दिनों से बैक टेस्ट करते आ रहा हूँ, उसके परफॉर्मेंस देखते आ रहा हूँ, उसके जो एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो मेरे को बहुत अच्छी तरह से पता है। इस वजह से ट्रेड में एंटर करते वक्त उस तरह का टारगेट मैं रखता हूँ एज अ डिपेंडेंट ऑन माय ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। वो उसका टारगेट किसे रखना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, वो छोटी छोटी जो बातें होती है वो बहुत बड़ी मायने रखती है। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी है उसकी बारे में जो भी छोटी छोटी बातें है वो सब मेरे को पता है। पर अगर आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करोगे तो आपको भी अपने जो छोटी छोटी बातें होती है इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जो बहुत बड़े मायने रखती है वो आपको पता लग जाएगी, और वो आपके लिए अच्छा काम करेगी। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि मेरे अभी यहाँ पर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बता देने के बाद अगर आप वो यूज करोगे तो जैसे वो एडवांटेजेस देती है मेरे को, वैसे आपको नहीं देगी, कुछ कम देगी। क्योंकि वैसे ही बात होती है कि आप जो बैक टेस्ट में आपको जो नॉलेज मिलती है अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आगे जो होता है ट्रेडर्स हु एक्सपीरियंस लैकलस्टर परफॉर्मेंस revisit their trading plan so they can enter, adjust and expectations their strategies for achieving desired goals। मतलब अगर आपके पास अपनी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है पर आपके आउटकम्स जो है, आपको प्रॉफिट्स अच्छे कंसिस्टेंटली नहीं मिल रहे, तो आपको क्या करना है, उस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे फिर से जाना है, और उसमें जो भी कमियां होगी वो आपको पूरी करनी है। मतलब आपका टारगेट थोड़ा सा हिट होने से बच रहा है तो आपको थोड़ा सा टारगेट नीचे लाना पड़ेगा, स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो रहा है तो आपको स्टॉप लॉस बढ़ाना होगा और क्वांटिटी कम ट्रेड करनी पड़ेगी। इस तरह से आप अपने जो है जो भी खामियां होगी आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में वो आपको अच्छी तरह से उसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। तो अभी हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एक्चुअली में बनाते कैसे है। तो आपको पहले बता दूं, ऑब्टेन अ बेस नॉलेज
एंड एक्सपीरियंस इन द मार्केट। अभी बेस्ट नॉलेज का मतलब क्या, बेस्ट नॉलेज मतलब आपको एक आपके पास एक अच्छा ब्रोकर होना चाहिए, उसके साथ ही आपको मार्केट ऑर्डर प्लेस करने आनी चाहिए, उसके साथ ही आपको स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट चार्ट्स किस तरह से होते हैं, कैंडल्स क्या होती है, पैटर्न्स क्या होते हैं, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है, ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स चार्ट्स पे लगाए कैसे जाते हैं, ये सब जो है आपको पता होना चाहिए। तो ये जो बेस नॉलेज है उसके सिवाय आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना नहीं सकते। एक बार आपको एक्सपीरियंस आ जाए, आप थोड़ा बहुत समय मार्केट में गुजारे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या पसंद है, आपको इंडिकेटर्स पसंद है या फिर आपको प्राइस एक्शन पे काम करना पसंद है। जो भी आपको पसंद है उस पे बेस्ड एक आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, और वो कैसे बनाते हैं ये आगे मैं आपको बताने ही वाला हूँ। तो साथ में ही डे ट्रेडर्स मस्ट सी द राइट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टार्ट, ये जो स्टेटमेंट है वो आप अभी लिख लीजिए, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोगों को लगता है कि डे ट्रेडिंग मतलब जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है उसमें पैसा बहुत कमाया जा सकता है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत गलत है। इजी मनी, बहुत लोग डे ट्रेडिंग को इजी मनी भी कहते हैं, तो ये इजी मनी नहीं होता। इसके लिए आपको बहुत सारा अपने स्ट्रेटजी का बैक टेस्टिंग करना पड़ता है, फिर उधर उसमें कुछ गलतियां हो तो उसको सुधारनी पड़ती है, और बहुत सारे आपको लॉसेस होते हैं उससे ओवरकम करना पड़ता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। ये सब बातें होने के बाद में आप थोड़ा बहुत पैसा कमा लोगे, पर जब आप एक कंसिस्टेंट जो इनकम इससे अगर आपको मिल गई तो वो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होती है फ्यूचर्स में। तो आप ये प्लीज जो सेंटेंस है वो याद रख लीजिए, डे ट्रेडर्स मस्ट सेट द राइट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टार्ट, मतलब हमें स्टार्ट से एक अच्छे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बहुत बड़े एक्सपेक्टेशंस नहीं कि हम एक रात में लाखों कमा लेंगे, ऐसा किसी के साथ नहीं होता ट्रेडिंग में। अगर कोई कमा भी ले तो दूसरे दिन वो लॉस में चले जाएंगे और अगर उसके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं हो तो। तो आगे चलते हैं। सो बिल्डिंग अ स्ट्रैटेजी, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ डेवलपिंग अ ट्रेडिंग प्लान इज फाइंडिंग अ स्ट्रैटेजी कैपेबल ऑफ जनरेटिंग कंसिस्टेंट प्रॉफिट ओवर अ टाइम। मतलब आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है जो कि एक हफ्ते के लिए नहीं, एक साल की नहीं, आपके लिए एक लाइफ टाइम तक वर्क करे, और उसमें आपको डिफाइन करने है रूल्स, उसके परफॉर्मेंस एंड चेंजेस, आपको एज अ टाइम उसमें चेंजेस भी अच्छे अच्छे चेंजेस लाने हैं जो कि आपके प्रॉफिट को इस तरह से इंक्रीज करते जाए। तो आपके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी आपको बनानी है कि जो एक दिन के लिए नहीं, मतलब आज जो ट्रेड गया अच्छा मुझे प्रॉफिट मिल गया तो ये स्ट्रैटेजी मेरी हो गई, इस तरह से नहीं होता। वो स्ट्रैटेजी आपके लिए लाइफ टाइम वर्क करनी चाहिए, और उसमें आपको थोड़ा बहुत चेंजेस भी लाना चाहिए जिससे कि आप अपने प्रॉफिट जो है वो बढ़ा सके। आपका प्रॉफिट एंड लॉस का कर्व जो होता है वो ऊपर जाना चाहिए ना कि नीचे। तो हम आते हैं हमारे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे कि एक्चुअली में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाए कैसे। तो आपको बता दूं यहाँ पर दो तरीके की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है जो डिपेंड करती है टाइप ऑफ द ट्रेडर। अभी यहाँ पर दो टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स होते हैं, एक होते हैं सिस्टमैटिक ट्रेडर्स और दूसरे होते हैं डिस्क्रेशनरी ट्रेडर्स। अभी सिस्टमैटिक ट्रेडर्स क्या होते हैं, जो लाई करते हैं हमारे कंप्यूटर पे, मतलब वो मेटा ट्रेडर जैसा कोई सॉफ्टवेयर यूज कर लेंगे, उसमें हमारी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो कोड कर लेंगे, और बाद में सब डिपेंड हो जाएगा कि हमारे कंप्यूटर सब ट्रेड कर लेगा, हमें यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं करने का, सिर्फ स्पेसिफाई रूल्स कर देंगे हमारे पोजीशंस के और एंट्रिंग के, आप हमारे कंप्यूटर को उसमें कोड कर देंगे, फिर हमारा जो कंप्यूटर होता है वो सब ट्रेडिंग कर लेता है। और जो डिस्क्रेशनरी ट्रेडर्स होते हैं वो रिलाय ऑन देयर इंस्टिंक्ट टू एंटर एंड एग्जिट द ट्रेड बेस्ड ऑन देयर रियल टाइम डेटा। मतलब जो भी अभी मार्केट में चल रहा है, मतलब समझो असेंडिंग पैटर्न बन रहा है, डिसेंडिंग पैटर्न बन रहा है, उसका ब्रेकआउट हो रहा है, या फिर कोई न्यूज आ जाए और न्यूज बेस्ड ट्रेड लेते हैं, उनको उस टाइप के ट्रेडर्स को क्या कहते हैं, डिस्क्रेशनरी ट्रेडर्स। तो मैं जिस टाइप का ट्रेडर हूँ मैं इस डिस्क्रेशनरी
टाइप ऑफ ट्रेडर हूँ। मैं सब जो मेरे ट्रेड्स होते हैं वो पैटर्न बेस्ड होते हैं, ना कि कोई मैंने ऐसे सिस्टम डिजाइन कर रखे है या कि मेटा ट्रेडर पे मैंने कोई कोडिंग कर रखी है जिस पर बेस्ड मैं ये ट्रेडर ले सकूं। इस पे भी ट्रेड हम कैसे कोड कर सकते हैं ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा, और ये जो डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। पहले बात करते हैं डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स की, मतलब अपनी वो खुद की एक स्ट्रैटेजी बना लेते हैं और जो भी होता है वो मैन्युअली होता है। इधर सिस्टमैटिक ट्रेडर्स के पास एक प्लस पॉइंट होता है, वो ये होता है कि यहाँ पर इमोशंस इंटर नहीं करते। आपको पता ही होगा कि इमोशंस जो है वो 90% रोल परफॉर्म करते हैं ट्रेडिंग में, तो यहाँ पर जो है वो इमोशंस एंटर नहीं करते। जो भी डिसीजंस लेने वो कंप्यूटर लेगा, मतलब अगर बाइंग के चांसेस कंप्यूटर को दिखे एज रिस्पेक्ट टू द रूल्स तो कंप्यूटर बाय कर लेगा, और सेल के चांसेस दिखे तो कंप्यूटर सेल कर देगा। यहाँ पर इमोशंस का कोई काम नहीं होता। पर डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स में क्या होता है, जो भी डिसीजंस लेने होते हैं वो सब ट्रेडर को लेने पड़ते हैं। मतलब अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो वो ट्रेडर को डिसीजन लेना है कि यहाँ पर बाय पोजीशन ले ले, तो इस तरह से जो भी डिसीजन लेने होते हैं वो ट्रेडर के को लेने होते हैं। इस वजह से यहाँ पर इमोशंस एंटर कर सकते हैं और वो यहाँ पर एक माइनस पॉइंट बन जाता है। तो और आगे प्लस पॉइंट डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स में ये होते हैं कि कुछ कुछ स्टॉक्स में एक अच्छी मूवमेंट आ जाती है अचानक से। मतलब समझ लो यस बैंक में पिछले मार्च में जो आई थी, जो प्राइस 4 to 5 rupees पे गई थी, तब अचानक से वो 90 rupees पे पहुंच गई थी, तो उस समय जो है वो एडवांटेज ले सकते हैं ये डिस्ट्रेक्शनरी जो ट्रेडर्स है, वो वन टाइम मूवमेंट का जो एडवांटेज है वो ये ट्रेडर्स ले सकते हैं। पर जो सिस्टमेटिक ट्रेडर्स है वो जो मूवमेंट है वो कंप्यूटर के कैप्चर में नहीं आ सकती, वो रूल्स में उनके नहीं बेच सकता कि एग्जिस्टिंग पोजिशन या फिर एंट्रिंग, ये सब जो सिस्टमेटिक ट्रेडर्स के रूल्स में नहीं बैठता। इस वजह से वो इस टाइप के जो ट्रेड्स होते हैं उसमें ट्रेड नहीं कर सकता, कंप्यूटर उस टाइप के ट्रेड्स में एंटर नहीं करता, वो यहाँ पर माइनस पॉइंट बन जाता है। पर अगर आप लॉन्ग रन का अगर देखें तो सिस्टमैटिक ट्रेडर्स कभी भी जीत जाते हैं, क्योंकि यहाँ इसमें इमोशंस नहीं होते, जो भी काम करता है कंप्यूटर करता है। डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स भी अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, पर एज रिस्पेक्ट टू सिस्टमैटिक ट्रेडर्स वो थोड़ा सा कम पड़ जाते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशनरी ट्रेडर्स एक्चुअली में होते क्या है, उनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती क्या है, तो मैं अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताऊंगा वही इनकी होती है, और इनकी भी उसके बाद में बताऊंगा। तो आगे हम चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अभी आपको मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो कि डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स की भी होती है, मतलब अलग अलग ट्रेडर्स की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, वो किस प्रकार से होती है ये मैं आपको बताऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले वीकली चार्ट ओपन करता हूँ, और वीकली चार्ट में इस जो रेड लाइन है उससे सब रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स मार्क कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये रेड लाइन से सब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स मार्क कर लिए है। तो अभी जो मैं ट्रेड प्लान करूंगा वो मेरा मंडे के लिए होगा, मतलब आगे आने वाले सेशन के लिए होगा। वो मैं कैसे कर रहा हूँ यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्टली क्या किया, ये सब जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स है एज रिस्पेक्ट टू वीकली चार्ट वो मैंने सब मार्क कर लिए। फिर मैं डे के टाइम फ्रेम में जंप करता हूँ, और डे के टाइम फ्रेम में देखता हूँ कि यहाँ पर जो चार्ट है इसमें कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक वेज पैटर्न लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसको हम कह सकते हैं बॉर्डनिंग वेज पैटर्न। तो बॉर्डनिंग वेज पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस कहाँ पर है, इस सपोर्ट लाइन पर है, और सपोर्ट लाइन के साथ में आप यहाँ पर एक रेड लाइन भी देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर बाइंग के या फिर सेलिंग के चांसेस बन सकते हैं। बाइंग के चांसेस कब बनेंगे, जब ये प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आएगी। क्यों नीचे आएगी, क्योंकि ये यहाँ पर जो रेड लाइन है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फील करेगी, और रेजिस्टेंस फील करने के वजह से ये जो सपोर्ट लाइन है वो ब्रेक कर देगी, और उसके ब्रेक करने के बाद में ये प्राइस अच्छी सी गिरेगी। मेरे एनालिसिस के
मेरे एनालिसिस के हिसाब से कहां तक गिरेगी, इस सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस तक वो गिर सकती है। और यहाँ पर से अगर उसने बाइंग अगर बायर्स घुस गए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बुलिश पिन बार जैसा एक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि इधर से प्राइस जो है ये ऊपर जा सकती है। तो उसको जो प्राइस को है इस जो रेड लाइन है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर उसने सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया आने वाले सेशन में तो एक अच्छे से ऊपर जा सकती है, एज अ हम स्विंग ट्रेड भी यहाँ पर एक अच्छा सा बना सकते है। तो इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इंट्राडे के लिए मैं क्या करता हूँ फिर आगे वाले टाइम फ्रेम में जंप करता हूँ। तो वो कैसे करना है, फिर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में जंप करता हूँ। अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखता हूँ कि कौन से स्ट्रक्चर बन रहे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है हमारी वेज पैटर्न है उसकी जो है वो सपोर्ट लाइन है, और ये रेड लाइन वीकली चार्ट पर मैंने जो बनाई थी वो रेड लाइन है। तो मैं वेट क्या करूंगा अगर मेरे को इंट्राडे में ट्रेड लेना हो, तो ये यहाँ पर देख रहे एक इस तरह से कंसोलिडेट कर रहा है पैटर्न। तो ये कंसोलिडेशन के बाद में ये बाइंग को कब जाएगा, जब ये इसको ब्रेक कर देगा। अभी इंट्राडे के लिए हम 15 मिनट की चार्ट यूज करते हैं, तो 15 मिनट के चार्ट में अगर हम जंप कर दे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि ये इस जोन में कंसोलिडेट कर रही है। तो ये जो रेड लाइन है इस पे वो रेजिस्टेंस फेस कर रही है और इधर वो सपोर्ट लेके ऊपर नीचे कर रही है। तो मंडे को जब मार्केट खुलेगा तब मैं एक ऑब्जर्वेशन करूंगा कि मेरा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, अगर इसने इसको ये जो रेजिस्टेंस है ये रेक्टेंगल का रेजिस्टेंस इसको ब्रेक कर दिया और यहाँ पर आकर एक अच्छी सी बुलिश कैंडल बना दी, तो मैं यहाँ पर से बाय जाऊंगा। ये होगा मेरा ट्रेडिंग प्लान। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग प्लान एक्चुअली में होता क्या है। मार्केट कब खुलने वाली है, मंडे को खुलने वाली है, आज जो है संडे है। तो मैं क्या करूंगा एक अच्छा सा रिटेस्ट का इंतजार, ब्रेकआउट रिटेस्ट एक अच्छी सी कैंडल, फिर जाऊंगा बाय। ये हो गया हमारा ट्रेडिंग प्लान। और आपको बता दूं मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आपको दोनों साइड से थिंकिंग एबिलिटी रखनी चाहिए। तो आपको यहां पर बता दूं कि अगर मार्केट ने यहां पर से ब्रेक डाउन कर दिया, मतलब अगर ब्रेक डाउन कर देगी तो ये रेक्टेंगुलर का सपोर्ट भी ब्रेक हो जाएगा, और ये ब्लैक लाइन आप देख सकते हैं वो वेज पैटर्न है हमारी, वो जो हमने डे टाइम फ्रेम में बनाई थी वो भी ब्रेकआउट हो जाएगा, मतलब एक बड़ा सा ब्रेकआउट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा एक अच्छा सा रिटेस्ट का इंतजार करूंगा और इधर से मैं जो है वो शॉर्ट का ट्रेड ले लूंगा। और अभी मैं जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो उसमें टारगेट्स कैसे डिफाइन करता हूँ, जो लास्ट लोअर स्विंग होता है उधर में मेरे टारगेट्स रखता हूँ। मतलब मैं आपको बता दूं अगर मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली तो मैं मेरा टारगेट ये यहाँ पर आप देख सकते हैं लोअर स्विंग, लास्ट वाला लोअर स्विंग है यहाँ पर रख दूंगा, और मेरा जो स्टॉप लॉस होता है वो जस्ट यहाँ पर जो भी पैटर्न बनेगा उसके बॉटम में मैं बाय के लिए अपना स्टॉप लॉस रख दूंगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर उसने मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया तो मार्केट फिर से यहाँ पर सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है, इसको हम फेक ब्रेकआउट कह सकते हैं। पर जब वो मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आए और बुलिश कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा होगा तो वो फेक ब्रेकआउट तो नहीं होता, कुछ कुछ केसेस में होता है पर वो केसेस बहुत कम होते हैं जहां पर रीटेस्ट के वक्त वो फेक ब्रेकआउट कर दे, वो भी बुलिश पैटर्न बनाकर, बुलिश कैंडल बनाकर। और शॉर्ट के लिए मैं ट्रेड कैसे लूंगा ये मैं आपको बता दूंगा। मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा, मैं यहाँ पर देखूंगा कोई लोअर स्विंग है क्या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक लोअर स्विंग है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके हिसाब से मैं अपना टारगेट रख दूंगा, सॉरी ये गलत हो गया, हाँ तो उसके हिसाब से मैं अपना टारगेट रख दूंगा और अपना जो स्टॉप लॉस है वो जस्ट नीचे यहाँ पर रख दूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमें एज अ 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है, और यहाँ पर हमें 1:2, मतलब मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड, मेरे इनिशियल गोल्स क्या होते हैं, मेरा इनिशियल गोल होता है कि मैं अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करूं, मतलब अबव 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड करूं। तो यहाँ पर मुझे अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड में मिल रहा है 1:2 और 1:3, और इस तरह से मैं मंडे को ट्रेड करने वाला हूँ। ये हो गया मेरा ट्रेडिंग प्लान। तो इस तरह से मैं मेरा जो स्ट्रेटजी है ये स्ट्रेटजी है मेरी इंट्राडे के लिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या है वो भी मैंने आपको बता दी, जो हमने देखी थी डे टाइम फ्रेम में।
आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक अच्छी सी पिन बार बन रही है। पिन बार के बाद में यहाँ पर एक रेड लाइन भी है। रेड लाइन मतलब विक्री टाइम फ्रेम का सपोर्ट, और इधर से मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से जो कुछ भी है ये मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, ये मैंने आपको सब बता दी। तो आपको यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो लेंथी जा रहा है इस वजह से जो सिस्टमेटिक ट्रेडर्स की जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, वो भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर वो आपको देखनी होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा सकते हैं, जिससे कि जब मैं वो वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो प्लीज़ यार लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगती है ये सब वीडियो बनाने के लिए, और आखिर में जब अच्छे लाइक्स दिख जाते हैं वीडियो में तो अच्छा मोटिवेशन भी मिलता है कि और वीडियोज हमें बनाने चाहिए। तो इस वजह से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।